करनाल के कृष्णानगर में घरेलू कलह व पति से तंग आकर पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में भिजवाया। मामले की जांच की शुरू। मृतका के परिजनों ने पति पर मारपीट व रोजाना तंग करने का लगाया आरोप। घटना के बाद मृतक लड़की के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था? क्या पति तंग करता था? क्या रोज तंग करता था? रोज उनको पैसे ले गया वहाँ से अपने घर से, उसको परेशान करता था। तो उसको पैसे भी दे रखे थे मैंने, 4,000 भी उसको दे रखा था, जो लोगों का लोन भी दिलवा रखा था। फिर भी मारता था, उसको मोबाइल में ट्रैकर सिस्टम लगा रखा था, कोई भी बात करती थी सारी उसके दूसरे मोबाइल में रखा था। तो कल मेरे को मिली भी थी, बट सैड सी लग रही थी। बट आज देखा तो फ़ोन आया मेरे को थोड़ी देर पहले भी, कहता साइड कर रही है, ये नहीं बोला साइड कर लिया, कहता साइड कर रही है। मैं मम्मी के साथ फटाफट आया, देखा तो सुसाइड कर, कहता जान पड़े उसमें, देखो उसको चेक करो। ये नहीं भी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट नहीं की, उसने कुछ भी नहीं करा, हम गए हैं हमने करा है सारा कुछ। फिर देखा फिर पुलिस आई, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, आगे भी कार्रवाई की। कोई पुलिस में आपने रिपोर्ट वगैरह पहले लिखवाई? पुलिस मुझे जाने देता था, 2 महीने वो घर पर भी रही हमारे, हमने तो कहा भी हम नहीं भेजेंगे, कहता कोई नहीं भेज दो। फिर वही स्टार्ट हो गया उसकी, वही मतलब पहले भेजी हो गया आज तो टाइम कर लिया। उस इन्फॉर्मेशन पे हम लोग यहाँ पे आए थे, तो अभी जो इनिशियल कार्रवाई है वो हमने कम्प्लीट की है, और बॉडी को आगामी प्रक्रिया के लिए शिफ्ट करा रहे हैं, बाकी पूरी जांच के बाद परिवार उस तरह जो भी पहलू होगा उसकी जांच गंभीरता से और गहराई से देखिए। अभी प्रारंभिक शुरुआती जांच है और बिना पूरी जांच के अभी कुछ भी कहना संभव नहीं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए अभी मैं सीधा यहाँ पर पहुँचा हूँ, ठीक है, तो जाँच के बाद ही कुछ कहा।